में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए देखें, सब्सक्राइब पर लाल बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो सूचना मिलती रहे। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें लार्ज कैप कंपनी यानी निफ्टी 50 की एक ज़बरदस्त आईटी कंपनी मिले और उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिले, तो क्यों हम पेनी स्टॉक या फिर माइक्रो कैप कंपनी या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली कंपनी चुने? हम क्यों ना रिस्क फ्री कंपनी चुनें और उसमें भी अच्छा रिटर्न। आपको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो क्यों ना हम लोग उसमें इन्वेस्ट करें। आइए जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जैसे कि मेनली आप क्या चाहते हैं, शेयर बाज़ार से पैसे कमाना, आप जो पैसा लगाए वो आपका डबल हो जाए, दो गुना हो जाए, तीन गुना हो जाए, चार गुना हो जाए, यही ना? एक समय टाइम तो लगता ही है, तो क्यों ना हम रिस्क फ्री कंपनियों में पैसा लगाएं और उनमें से भी अच्छा रिटर्न हमें मिलता हो, बोनस के माध्यम से, स्प्लिट के माध्यम से, डिविडेंड के माध्यम से या प्रीमियम प्राइस बढ़ने के माध्यम से। तो चलिए, मैं आज एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर पहले मैं भाव देख लेता हूँ, BSE पे 31 मई 2019 को जो 4 बजे क्लोजिंग प्राइस था, आज है 2 जून, आज संडे है, मार्केट बंद है, तो ये 2 दिन पहले के डेटा है। 736.85 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है BSE पे, और साल का जो लो था 599 यानी 600 रुपये के आसपास, और हाई था 773 जो कि हाई के आसपास ही है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है 3,21,394 करोड़ का ज़बरदस्त है। अर्निंग पर शेयर है 35.32 की, पी है 20.86 के, इंडस्ट्री पी है 23.51 के, डिलीवरेबल है 61% के आसपास, ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू 5 की रह गई है और प्राइस टू बुक है 4.94 की। तो ये तो रही इसके डेटा, बेसिक चीज़ें। अब मैं इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग 18 दिसंबर से मार्च 19 के क्वार्टर में जो Q4 के रिजल्ट्स जो आए हुए हैं फाइनेंशियल 2019 के, यानी कि जो 18 दिसंबर में थे 21,400 करोड़ की नेट सेल्स थी, वहीं हो गई 21,549 करोड़, यानी कि थोड़ी सी बढ़त है 0.65% के आसपास, अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर 4,959 करोड़ के आसपास थी, वहीं होगी 5,149 करोड़, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3.83% की अपसाइड है, ज़बरदस्त। और नेट प्रॉफिट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 18 दिसंबर में जो 3,609 करोड़ की थी, वहीं होगी 4,074 करोड़ की, जो कि 12.88% की अपसाइड है। और मार्जिन में भी यहाँ पे देखिए 0.73% की अपसाइड है, जो कि मेंटेन किया हुआ है। और यहीं पे अगर हम एनुअल देखें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर में भी देखिए 19.11% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 7% की अपसाइड है। नेट प्रॉफिट सब कुछ लेने देने के बाद कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी यहाँ 10.41% की अपसाइड है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव है, डाउन परसेंट 2.71% की। खैर, इतनी बड़ी कंपनियाँ अगर मार्जिन मेंटेन करना या ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स मेंटेन करना, प्रॉफिट मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो जो है प्रमोटर्स के पास है 12.84% की, और थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ की हुई है, जो कि अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स की 38 स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगा रखे 1,175, 34.04% की आसपास है, ज़बरदस्त होल्डिंग है। और हम आप जैसे खुदरा ग्राहक हैं 9.52% के आसपास। कंपनी क्या करती है? आईटी की ज़बरदस्त कंपनी हो तो मैंने बताई दिया आपको, बेसिक पढ़ देता हूँ। इन्फोसिस इज़ द ग्लोबल लीडर इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड कंसल्टिंग, वी इनेबल क्लाइंट्स इन 45 कंट्रीज, 45 देशों में ये कारोबार करती है, टू नेविगेट दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद ओवर 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग द सिस्टम ऑफ वर्किंग्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। वी expertly steer our clients through their digital journey. We do it by enabling the enterprise with an AI-powered core that helps prioritize the execution of change. We also empower the business with agile digital at scale to deliver unprecedented levels of performance and customer delight. Our always-on learning agenda drives their continuous improvement through building and transferring digital skills, expertise and ideas from our innovation ecosystem. तो basically IT से और software की company है जो अलग अलग 45 देशों में ये solution provide करती है, applications वगैरह provide करती है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा सुनने में भी आया, कोई expert कह रहा था कि जितना UAE United
अरब अमीरात जितना तेल एक्सपोर्ट करके कमाता है उतना भारत अलग अलग कंपनियों से जो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी एप्लीकेशंस बेच के कमाती हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे के कमाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड फॉर्मली इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इट्स एंड टू एंड बिजनेस सोल्यूशन इंक्लूड कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन कंप्राइजिंग कंसल्टिंग। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड जो पे किया था आज उन्होंने जनवरी में 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से ज़बरदस्त, और अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे है। आईटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट हाउस 1981 से काम कर रही है। दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग छोटे स्टॉक या फिर रिस्क फ्री स्टॉक में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में बताया था कि जिन्होंने शायद लगता क्या है कि अब लोग कहते होंगे कि बड़ी प्राइस का हमें स्टॉक बता रहे हैं जो कि 737 रुपये के आसपास है। तो मैं मानता हूँ कि जो छोटे निवेशक होते हैं अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए उनका बजट 1 लाख है, तो उन्होंने अगर 100 शेयर भी ले लिए तो यहाँ पे काफ़ी हो जाता है, करीब 73,000 के आसपास ही हो जाते हैं। यही तो उनका सारा पैसा इसी में चला जाता है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि जब हम अगर 5 साल के यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं मनी कंट्रोल पे, और यहाँ पे मान लीजिए लो था 368 रुपये के आसपास, और अगर आपने 100 शेयर लिए होते 5 साल पहले तो 100 शेयर हो जाते आपके 36,800 रुपये के। लेकिन आपके जो 100 शेयर हैं वो यहाँ पे बोनस मिला तो 200 शेयर हो गए 1:1 का बोनस 2014 में, और यहीं पे 200 शेयर हो गए आपके 400 2015 में, फिर इसने बोनस दिया और 400 शेयर हो गए सीधे यहाँ पे 2018 में जो 1:1 का अगेन बोनस दिया, तो 800 शेयर हो गए। तो 800 शेयर इनटू 736 रुपये पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाते हैं 5,88,800 समथिंग का। तो आपके जो 36,000 थे यहाँ पे वो 5 सालों में बोनस शेयर के माध्यम से, जबकि हमने डिविडेंड इंक्लूड नहीं किया है, तो 5 लाख समथिंग हो जाते हैं 5,88,000। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत है बोनस शेयर की। जो बड़ी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़बरदस्त आपको मुनाफा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्रीमियम प्राइस बढ़ नहीं रहा है, 5 सालों में सिर्फ डबल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये बोनस नहीं देता, अगर ये जो चार्ट है इसमें जो प्राइस दिखा रहा है, मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, करेक्टेड प्राइस है। बोनस जब देती है कोई कंपनी तो उसका जितने पे स्प्लिट होता है उस हिसाब से उसका भाव कम हो जाता है, चाहे स्प्लिट हो या बोनस दे तो प्राइस कम हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। तो इस चार्ट में करेक्टेड प्राइस ही बताया गया है, तो आप लोग बेफिक्र रहें, जो प्राइस इसमें दिखाया गया वो करेक्ट है, एडजस्टेबल है। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा कि बोनस के माध्यम से या बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं स्प्लिट होती हैं या फिर डिविडेंड पे करती हैं या फिर बाई बैक करती हैं राइट्स रेशियो के हिसाब से। तो आप अगर दिग्गज कंपनियों में पैसे लगाते हैं क्योंकि इनकी कमाई ज़बरदस्त है, आपको मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए, जब कमाई अच्छी होगी तो आपको या तो प्रीमियम के माध्यम से या तो बोनस के माध्यम से। अब MRF का इतनी बड़ी प्राइस का है क्योंकि वो बोनस नहीं देता, वो स्प्लिट नहीं हो रहा है, उसकी फेस वैल्यू टूट नहीं रही है, तो इस वजह से उसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसका प्रीमियम यहाँ पे छोटा है। अदरवाइज जिस हिसाब से इसकी कमाई है, तो अगर ये बोनस नहीं दिया होता तो इसका प्राइस भी उसी हिसाब से होता। अगर 3 दफ़ा दिया है, 3 दफ़ा टूटा है, तो इसका मतलब ये भी 2,500 के आसपास ही प्रीमियम भी होता। तो इस वजह से आप जो है अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, इन्फोसिस जैसे, टाटा कंसल्टेंसी जैसे, या फिर और भी कई कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के लार्ज कैप है, जहां पे आपको रिस्क भी कम रहता है और अच्छी कंपनियों में। और आईटी सेक्टर तो आने वाले समय में, अभी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट होनी है, पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर हो पे डिपेंड है, एप्लीकेशंस पे डिपेंड है, IT सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों बस यही कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी लार्ज कंपनी आपको अच्छा पैसा मुनाफा नहीं देती। क्या है किसी मल्टीबैगर से कम है कि आपका 36,000 रुपये मात्र 5 सालों में जो है 5,88,000 के आसपास हो गया सिर्फ बोनस शेयर के माध्यम से, और तो समझने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप जुड़े रहिए, और कोई भी शेयर लेने से पहले आप पे हमारा एक डिस्क्लेमर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।